अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी आती है नेट पे कि ना बच्चे को जो है वो गाय का दूध मत पिलाओ, ये दूध मत दो, फॉर्मुला मिल्क देना चाहिए देना, तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट बने हम थोड़े से और हमने फॉर्मुला मिल्क बच्चे के साथ इंट्रोड्यूस किया। तो मैंने जो फॉर्मुला मिल्क इंट्रोड्यूस किया वो था नेस्ले नैन प्रो, वो मैंने इंट्रोड्यूस किया मेरी बेबी के साथ। लेकिन उसके अलावा मैं उसका जैसे एप्पल मैश करती थी तो उसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया तो थोड़ा सा दूध जैसा बन जाता है वो, इस तरह से उसका चल रहा था। सिर्फ एक यही चीज थी मार्केट की जो मैंने उसको इंट्रोड्यूस कराई थी, इसके अलावा मैं सब उसको उसको खुद बनाकर खिलाती थी। तो 27 अगस्त 2019 वॉज द डेट जब मेरी डॉटर पहली बार बीमार पड़ी थी। और वो जो 5 दिन मेरे निकले थे उसके बाद, क्योंकि मेरी डॉटर्स की पूरी बॉडी पे, पैरों पे, जो इतनी बच्चे की फ्लॉलेस और स्मूथ स्किन रहती है, पूरी बॉडी पे ना उसके दाने और ना फफोले जैसे पड़ गए थे। तो डॉक्टर ने बोला इसको वायरल है, तो ठीक है भाई चलो हो गया किसी वजह से। वो 5 डेज निकले, 1 महीने बाद वो फिर बीमार पड़ी। जब वो फिर बीमार पड़ी तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो इस बार मुझे डॉक्टर ने बोला इसको मीजल हो गया है, यानी आजा कि मेरे, ऐसा रहेगा, नहीं उसे कल सेम करेगा ये चल रहा बैठा था कि रहेगा, हर बार उसको बॉडी में नहीं ही बैठा, दाने आ नहीं जाते हैं। बैठा एक रहेगा ना महीने बेटा, उसको ठीक थी और फिर हमने डॉक्टर को दिखाया। क्या कह लेकिन रहा है, उसके बाद मैं क्या नोटिस करती थी कि उसको बहुत कंटिन्यूअसली जुकाम रहना, कंजेशन रहना, ये सब उसको रेगुलर रहने लग गया था। तो समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उस टाइम पर क्या मिस्टेक कर रही हूँ मैं, है ना। फिर लगा कि ठीक है चलो बीमार पड़ते हैं, फिर पेरेंट्स जैसे बोल देते थे कि नहीं बच्चे तो ऐसे बीमार होते होते हैं और बड़े हो जाते हैं। तो उसके बाद लेकिन मतलब बहुत टफ टाइम निकला उसको। ऐसी सिचुएशन थी कि एक बार रात को 10 बजे में हॉस्पिटल लेके गई उसको, क्योंकि उसको मोशन हो गया, कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो उसको रात को 10 बजे हॉस्पिटल में 2 बजे तक बैठी रही, उसको ड्रिप लगा, और ना बहुत टफ टाइम था वो मेरे अगस्त से लेकर दिसंबर तक। दिसंबर आते आते मतलब मैं इतनी हिम्मत हार चुकी थी क्योंकि ना वो स्लीपलेस नाइट्स, बेटी का दर्द और वो सब इतना टफ हो गया था कि ना। और दीदी मेरे को हमेशा बोलती थी कि वैशाली तू क्या करती है, तू ध्यान नहीं रखती, तू कुछ करती होगी बच्ची को ऐसा हो जाता है तो उसका। दीदी मुझे बहुत डांटती थी कि नहीं तू कुछ तू ध्यान रख उसका, तू कुछ नहीं करती होगी, तू ये नहीं करती होगी, बच्चे का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बाहर की हवा है, ये है वो है। उसके बाद फिर एट दी एंड कुछ ऐसा मतलब दिसंबर में हमने कितने डॉक्टर्स को चेंज नहीं किया होगा। जब इसको मैं यहाँ पे एक डॉक्टर रोहित गोरख है उनसे ट्रीटमेंट लिया, उन्होंने बोला मीजल्स है, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट चला, आराम नहीं आया, तो डॉक्टर दीपेन शर्मा स्टेशन पे उनको दिखाया मैंने, उन्होंने इसको सुबह शाम 5 डेज के इंजेक्शन लिखे, हैवी एंटीबायोटिक्स इसका, वो चला। फिर ऐसे 2 दिन रिकवर हुई, वापस वही प्रॉब्लम हो गई इसके साथ। फिर हम लोगों ने जो है वो फिर मैंने उस टाइम में बीच में मैंने इसका होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी चलाया, उससे फिर रिलीफ आया, बट फिर वापस वही कंडीशन। तो एट दी एंड ना मैंने सबसे बाद में जो किया, फिर मैंने डॉक्टर प्रमोद भैया को कॉल किया और मैंने ना लिटरली मैंने उनको बोला कि मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट मेरा बच्चा 4 महीने हो गए और है ना मेरे को बहुत परेशानी हो रही है। तो उन्होंने मुझे बोला कि सबसे पहले एक काम करो, तुम डॉक्टर अशोक शारदा को दिखाओ, वहां दिखा के सारे रिपोर्ट्स मेरे पास शाम को लेके घर पे आओ। तो मैंने यही किया, मैंने अशोक शारदा जी को दिखाया, उसका उनका ट्रीटमेंट चला। और फिर शाम को जब मैं प्रमोद भैया के पास गई तो उन्होंने देखते ही बस इतना बोला कि बच्चे को अभी तक जितना भी ट्रीटमेंट चल रहा है सारा एंटी एलर्जी है सब। उन्होंने पूरी बस फाइल बंद करके मुझे बोला बच्चे को क्या खिलाते हो, तो मैंने कहा ये सब खिलाती हूँ कि नहीं बाहर का क्या खिलाते हो, मैंने कहा सिर्फ नैनप्रो देती हूँ उसको मैं, नेस्ले का, इसके अलावा मैं कुछ उसको बाहर का नहीं देती। तो उन्होंने इसको इमिडिएटली बंद करो, बट आपके बच्चे को रिकवर होने में कम से कम 1 महीना लगेगा इम्यूनिटी बिल्ड होने में। और साथ साथ उन्होंने मुझे एमवे के सप्लीमेंट्स मतलब क्योंकि मैं तो लेती थी बट जनरली 2 साल तक नहीं आता दिमाग में बच्चे को देना है, बट मैंने उस टाइम पर उनके कहने पे अपनी बेटी के साथ मल्टीविटामिन किड्स किड सी बच्चों वाला और आयरन ये इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बोला अभी छोटी है तो आप 1 दिन छोड़कर 1 दिन इसको दो, ये मैंने इमिडिएटली उनके कहने पे स्टार्ट किया। उसका नेस्ले का नैन प्रो उसका बंद किया और जो ट्रीटमेंट डॉक्टर का थोड़े दिन के लिए चलना था वो चला। 1 से 1.5 महीने बाद मैंने अपनी बेटी में वो डिफरेंस फील किया कि हाँ मतलब उसके बाद मुझे समझ में आया कि मैं गलती क्या कर रही थी। और मतलब वो मिरेकुलस था मेरे लिए क्योंकि मैंने वो जो फेस किया पिछले 3-4 महीने में वो मैं ही जानती हूँ कि इतना छोटा सा बेबी है, कहीं पर भी लेके जाती थी 6 मंथ तक तो लोग उसके ऐसे बोलते थे कि मैम हम इसके साथ प्लीज पिक के चले क्योंकि बहुत गोलू मोलू से थी वो, बट वो बीमार पड़ी तो वो इतना डाउन होती चली गई। तो ये सब मैं उसको 9 मंथ से इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ और अभी तक भी दे रही हूँ। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे उसको फर्स्ट का जो विंटर था उसमें उसको निमेटिक इन्फेक्शन हल्का सा हो गया था, बट लास्ट के जो विंटर्स उसके निकले उसको जुखाम तक भी नहीं हुआ है और मैंने उसको सप्लीमेंट्स रेगुलर दिए हैं। एक भी दिन मैंने उसका, क्योंकि मैं इतनी डरी हुई थी अंदर से, क्योंकि मेरी मॉम मुझे बोलती है कि एक बार अगर बच्चे को हल्की सी भी निमोनिया की शिकायत हो जाती है तो वो 5 साल बड़ा डिफिकल्टी में निकलता है उसका हर विंटर सीजन। तो मुझे इतना डर था तो मैं उसको ना मतलब उसके पीछे 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 घूमती रहती थी और
नियम से, वो चाहे खाए चाहे नहीं खाए, कैसे उसको खिलाना है वो मैंने करा है। कभी उसको क्रश करा, किचिंग डाला उसमें एक स्कूप अच्छे से, उसमें शहद मिला के उसको टॉफी में रैप करके दिया, कैसे किया और उसको रेगुलर दिया है। और लास्ट ऐसा विंटर निकला कि उसको एक छींक तक भी नहीं थी। ये मैं अपनी बेटी के साथ, इस वजह से मैं उसको आज तक भी सब रेगुलर दे रही हूँ। और इसके अलावा मैं उसको अश्वगंधा और भ्रमणी भी देती हूँ रोज की हाफ टैबलेट, वो भी प्रमोद भैया के कहने पर ही देती हूँ, क्योंकि इसकी आईज की मसल थोड़ी वीक है। तो उन्होंने बोला बच्चा छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता, होता है 5 साल तक बच्चे में बहुत डिफरेंस आता है, तो वो भी मैं उसको रेगुलर बेसिस पे देती हूँ। और इसके अलावा कम से कम 2 से, और अभी ना मैं दीदी को बताया था, दीदी से एक दिन वीडियो कॉल हो रही थी, तो उसको पता है क्या है, अगर मैंने उसको दूध खुद बना के दिया है तो वो मुझे गुस्सा करती कि मम्मा आपने डाला है, तो बोलती मम्मा कीवी विल पुट। तो उसको है कि किड्स ड्रिंक उसको ग्लास में खुद ही डालना है, उसको खुद ही डालना होता है वो किड्स ड्रिंक ग्लास में। तो मैं डेफिनेटली उसकी ये वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। और अगर उसको सोकर उठी, नींद में है तो ठीक है, बट एक दिन सोकर उठी तो उसको गुस्सा आया कि मम्मा आपने कैसे डाल दिया इसमें, तो मैंने कहा नहीं बेटा ये वही वाला है जो आपने ही डाला था, तो बोलती है ओके। तब उसने वो दूध पिया है, अंटिल अनलेस वो जब तक किड्स ड्रिंक खुद नहीं डालती वो दूध नहीं पीती। और वो टच वुड, मतलब इसके लिए तो एक अंदर से फेथ और खुशी आती है कि हाँ हमारा बच्चा बाकी बच्चों से, मैं कंपेयर करती हूँ ना हमारे आसपास के बच्चों से, तो टच वुड ब्लेस्ड टू हैव एमवे इन लाइफ बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं 9 मंथ से दे रही हूँ अपने बच्चे को रेगुलर, आयरन दे रही हूँ उसको, मल्टीविटामिन दे रही हूँ, किड्स ड्रिंक दे रही हूँ।